हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि इस धरती पर करीबन 200 करोड़ जीवित स्पीशी हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, 200 करोड़। और सबसे अनोखी बात यह है कि हर प्राणी हर दूसरे प्राणी से एकदम अलग है। किसी की चाल अलग है तो किसी की ढाल, किसी का रंग अलग है तो किसी की त्वचा यानी उसकी स्किन। पर इन सारी स्पीशीज के बीच एक ऐसी अनोखी स्पीशीज है जो कि इस दुनिया में तकरीबन 10 करोड़ सालों से है। एक ऐसी दुर्लभ जाति का प्राणी जिसके रगों में विष दौड़ता है। जी हाँ, आपने सही गेस किया, हम बात कर रहे हैं सांपों के बारे में। धरती पर 3400 प्रजाति के सांप हैं और उनमें से 600 जहरीले। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से सबसे जहरीला सांप कौन सा है? वेल, आज आपको ये जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहिए मेरे साथ जानने के लिए दुनिया के 2 सबसे जहरीले सांपों के बारे में। और क्या पता आगे किसी दिन ये इन्फॉर्मेशन आपकी जान बचाने के काम भी आ जाए। सांपों की शुरुआत कहां से हुई, इसका सवाल आज तक रिसर्चर्स को नहीं मिल पाया है। पर हमको ये मालूम है कि सांप जुरासिक पीरियड के प्राणी हैं। वो तब भी हमारी धरती पर थे जब डायनासोर इस धरती पे राज कर रहे थे। जहरीले सांपों की सबसे अनोखी बात है उनकी विष ग्रंथियां, और इस विष की शक्ति सांपों में वैरी करती है। किसी का विष कम मात्रा में हानिकारक है तो किसी का ज्यादा। पर इन सब सांपों में से एक सांप है जिसका विष एक बार में 100 वयस्क इंसानों की जान ले सकता है। ये सांप इनलैंड ताइपान के नाम से जाना जाता है। इसको दुनिया का सबसे खतरनाक विषधारी सांप का खिताब दिया गया है, और इस सांप से बड़े बड़े स्नेक ट्रेनर भी पंगा नहीं लेते। हालांकि दुनिया भर में हर साल 40,000 लोग स्नेक बाइट से मारे जाते हैं, लेकिन इनलैंड ताइपान के बाइट से हर साल ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 2 या 3 ही जाने जाती हैं, क्योंकि ये सांप काफी छुपा छुपा रहता है। हाँ, ये सबसे जहरीला तो है, लेकिन ये सबसे सुंदर सांपों में से एक भी है। अब हम इसके फिजिकल फीचर्स पर आते हैं। जनरली इसके 2 रूप पाए जाते हैं। गर्मी में ये एक लाइटर रूप धारण करते हैं, और विंटर्स में इनका रंग डार्कर हो जाता है, और ये लंबाई में 6 से 8 फीट तक बढ़ता है, मतलब एक एवरेज अमेरिकन की हाइट। वैसे तो ये सांप आंखों से दूर रहता है, लेकिन आप एक सेकंड के लिए भी मत सोचिए कि ये शांत प्राणी है। हमला करने पर ये एक बार में 8 बार काटता है और हर बाइट के साथ भारी मात्रा में विष छोड़ता है। हमला करने के बाद ये फिर से जाके छुप जाता है अंटिल उसका विक्टिम मर नहीं जाता। उसका शिकार जब विष से बेहाल होकर दम तोड़ देता है, तब ताइपान धीरे से अपनी गुफा से बाहर निकलता है और अपने शिकार को निगल जाता है। ये दिन दहाड़े शिकार करने निकलता है। सांप आक्रामक नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर इस पर हमला किया जाए तो ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। एक इनलैंड ताइपान तकरीबन 20 साल तक जिंदा रहता है। इस 20 साल के जीवन में उसका विष न जाने कितनों को घायल कर जाता है। अब हमने दुनिया के सबसे जहरीले सांप के बारे में तो जान लिया। ये सच है कि सबसे जहरीले सांप का खिताब इनलैंड ताइपान को दिया जाता है, लेकिन ये सबसे खतरनाक या आक्रामक सांप नहीं है। दुनिया का सबसे आक्रामक सांप का नाम है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक, और सबसे जहरीले सांपों के बीच दूसरे नंबर पे यही आता है। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक अपने जहरीलेपन के लिए कम और एग्रेसिव नेचर के लिए ज्यादा जाना जाता है। ये भी पूर्वी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा ना, अरे यार, क्या सभी जहरीले चीजें ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं? दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांप ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। दरअसल बात यह है कि जहरीले प्राणी गर्मी वाली जगहों पे अच्छे से बढ़ पाते हैं, पर उनको शिकार भी करना होता है। गर्मी और शिकार, ये दोनों चीज ऑस्ट्रेलिया में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी वजह से वहाँ ज्यादातर जहरीले प्राणी पाए जाते हैं। अब लौट आते हैं ईस्टर्न ब्राउन स्नेक के पास। ऑस्ट्रेलिया में स्नेक बाइट की वजह से ज्यादातर मौत इसी सांप की वजह से होती है। इस सांप का आकार पतला तो है, लेकिन खतरनाक भी। लंबाई में ये 2 मीटर से अधिक हो सकता है, और उत्तेजित होने पर आश्चर्यजनक गति से हमला करता है। इसका रंग वैरी करता है ग्रे से लेकर ब्राउन तक। शरीर पर पीले या नारंगी धब्बे भी पाए जाते हैं। ये सांप भी आंखों से दूर जमीन के नीचे अपनी जिंदगी काटता है। जब शिकार करने बाहर आता है, बस तभी इस प्राणी से हम इंसानों को खतरा है। अगर इससे आपका आमना सामना होता है तो आप भाग नहीं सकते, क्योंकि ये आपका पीछा काफी तेजी से और बड़ी आसानी से कर सकता है। अब आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो आ ही गई होगी सांपों के बारे में, और हाँ, ये सच है कि ये दोनों सांप खतरे का संकेत हैं। पर एक्सटेंसिव स्टडीज और ऑब्जर्वेशंस के अनुसार ये दोनों ही सांप कृषकों के लिए एक महत्वपूर्ण काम करते हैं। इनलैंड ताइपान और ईस्टर्न ब्राउन स्नेक रोडेंट और इंट्रोड्यूस रोडेंट पेस जैसे कि चूहों की मात्रा को कंट्रोल करके किसानों के उत्पादनों को बढ़ाता है।
है। तो आप देख रहे हैं कि दुनिया के दो सबसे भयंकर और जहरीले सांप भी किसानों के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी या जहरीली क्यों ना हो, हमें उस सिचुएशन के अच्छे साइड को देखना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उस जहरीले और भयंकर सिचुएशन के बीच कुछ ना कुछ वरदान तो जरूर होंगे, बस देखने की देरी है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ जानने का मौका मिला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को नीचे दिया लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।